फ्रेंड्स, मैं राकेश कुमार आरके बायोलॉजी क्लास है सीकर से। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ जनरल साइंस का एक ऐसा टॉपिक जिसके बारे में मैक्सिमम क्वेश्चन पूछने की संभावना रहती है, और वो टॉपिक है जेनेटिक्स यानी कि आनुवंशिकी। तो फ्रेंड्स, इससे जेनेटिक्स से संबंधित 20 क्वेश्चनों के बारे में अपन चर्चा करेंगे, जो कि काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं कि मेंडल, जिसे आनुवंशिकी का जनक कहते हैं, मूलतः किस विषय के विशेषज्ञ थे, जिसमें चार ऑप्शन अपने पास है फ्रेंड्स, दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान और वनस्पति विज्ञान। तो फ्रेंड्स, अपन कह सकते हैं कि जो मेंडल थे वह दर्शन शास्त्र के विशेषज्ञ माने जाते हैं। इस आधार पर अपना पहला ऑप्शन है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, मेंडल ने अपने प्रयोगों को ब्रून सोसाइटी ऑफ नेचुरल हिस्ट्री की वार्षिकी में किस सन में प्रकाशित किया था। तो फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन अपन कह सकते हैं 2 साल से पहले जो रेलवे एग्जाम हुई थी उसमें यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, जिसमें अपन कह सकते हैं ऑप्शन अपने 1856, 1866, 1876 और 1886। तो फ्रेंड्स, ध्यान रखना, इसमें अपन कह सकते हैं कि जो 1866 ऑप्शन है वह अपना बिल्कुल सही है, 1866 में यह प्रकाशित हुई थी। इसके पश्चात अगले क्वेश्चन की अगर अपन बात करें फ्रेंड्स, तो दिया गया है कि मेंडल के कार्यों की पुनर्खोज का श्रेय किनको जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मेंडल ने तो अपने कार्य कर दिए थे, लेकिन उसके खोजकर्ता किन्हें जाना जाता है जिन्होंने पुनः खोज की थी। तो देखिए फ्रेंड्स, चार ऑप्शन दे रखे हैं, ह्यूगो डिब्रिज, कोरेंस और सेरमेक। दूसरा ऑप्शन कोरेंस, नोडिन और सेरमेक। थर्ड डिब्रिज, सेरमेक, गार्टनर और थर्ड कोलरूटर, नोडिन, कोरेंस। तो फ्रेंड्स, आप सोचिए कौन सा होगा। यहां पर हम कह सकते हैं जो ह्यूगो डिब्रिज, कोरेंस और सेरमेक, इन्हें अपन क्या कहते हैं, मेंडल के कार्यों के पुनः खोजकर्ता के नाम से जानते हैं। तो अपना पहला आंसर जो होगा बिल्कुल करेक्ट है। इसके पश्चात अगले क्वेश्चन की अपन बात करते हैं कि वर्तिकाग्र के परिपक्व होने से पहले उस पुष्प से पुंकेसर को हटा देना क्या कहलाता है। ये क्वेश्चन भी काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, परपरागण, स्वपरागण, विपुंसन और मेंडलवाद। तो फ्रेंड्स, अपन कह सकते हैं अगर वर्तिकाग्र के परिपक्व होने से पहले ही उस पुष्प से पुंकेसर को हटा देते हैं तो वह क्रिया कहलाती है विपुंसन, यानी कि थर्ड ऑप्शन अपना बिल्कुल है करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मेंडल के द्वारा कितने जोड़ी विप्रियाशी लक्षणों पर अपने प्रयोग किए गए थे। काफी इजी क्वेश्चन भी अपन कह सकते हैं, काफी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कह सकते हैं, जिसके ऑप्शन 5, 6, 7, 8 है, लेकिन फ्रेंड्स आंसर क्या होगा 7, यानी 7 जोड़ी विप्रियाशी लक्षणों पर मेंडल ने अपने प्रयोग किए थे। इसके पश्चात अगला क्वेश्चन कि जो जेनेटिक्स या आनुवंशिकी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑप्शन दे रखा है मेंडल, बैटसन, कोरेंस और ब्रून ने। तो फ्रेंड्स, अपन क्या कर देते हैं, इसका आंसर मेंडल करके आते हैं, जो कि काफी गलत आंसर है। इसका आंसर सही होगा बैटसन, या वाटसन भी अपन इसे कह सकते हैं। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, संकरण जो F1 पीढ़ी के पौधों व जनक पीढ़ी के किसी भी एक जनक से करवाया जाता है तो वह कहलाता है। चार ऑप्शन दे रखा है, परीक्षण क्रॉस, व्युत्क्रम क्रॉस, संकर पूर्वज क्रॉस और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स 3रा नंबर, संकर पूर्वज क्रॉस कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, पृथक्करण के नियम का अन्य नाम क्या है। ऑप्शन देखे तो प्रभाविता का नियम, अभिव्यक्ति का नियम, युग्मकों की शुद्धता का नियम और विभाजिता का नियम। तो फ्रेंड्स, अपन ने नियम पढ़े हैं, तो नियम में यह दिया है कि जो पृथक्करण का नियम होता है उसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं, इसलिए अपना 3रा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। इसके आगे अपन देखते हैं कि जब एक शुद्ध लंबे पौधे का संकरण शुद्ध बोने पौधे से करवाया जाता है तो
तो एफ टू पीडी में कौन सा जीन प्रारूप प्राप्त है होता है? तो फ्रेंड्स ऑप्शन दे रखे हैं 3:1, 2:1, 1:2, 1:1 और 2:1:2। तो अपने को पता है कि जब एक शुद्ध लंबे पौधे का संकरण बोने पौधे के साथ करवाते हैं तो एफ टू पीडी में अपना जो जीनोटाइप या जीन प्रारूप प्राप्त होता है वो होता है 1:2:1, अर्थात अपना थर्ड ऑप्शन है करेक्ट है। इसके पश्चात अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं, जब शुद्ध गुणों वाले दो पौधों का एक संकर संकरण करवाया जाता है तो एफ टू पीडी में लक्षण प्रारूप अनुपात कितना प्राप्त होता है? तो इसमें ऑप्शन 1:2:1, 3:1, 1:3, 9:3:3, 1:1। तो फ्रेंड्स अपने को पता है इसका ऑप्शन क्या होगा, सेकंड सही है, 3:1। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं कि जब दो विप्रियासी गुणों वाले पौधों को संकरित करवाया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में निम्न गुण प्रदर्शित होते हैं। ऑप्शन देखे तो अप्रभावी लक्षण, दोनों के सम्मिलित लक्षण या गुण, प्रभावी लक्षण और उक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स अपन कह सकते हैं यहां पर अपना आंसर जाएगा थर्ड ऑप्शन, प्रभावी लक्षण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य की प्रत्येक कोशिका में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एक कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन भी होता है जो जल्दबाजी में गलत भी हो जाता है। यहां पर अगले ने पूछा है कि प्रत्येक कोशिका में कितने जोड़ी गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो फ्रेंड्स अपन जल्दबाजी में इसका ऑप्शन क्या कर देते हैं, 46 से कर देते हैं, जो कि टोटल संख्या होती है। या अगले ने जोड़ी पूछी है तो जोड़ी में अपना आंसर क्या आएगा फ्रेंड, सेकेंड ऑप्शन है, 23 जोड़ी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य की एक कोशिका में कायिक गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो अपन कह सकते हैं फ्रेंड्स मनुष्य में दो प्रकार के गुणसूत्र पाए जाते हैं, एक तो कायिक गुणसूत्र कह सकते हैं, एक लिंग गुणसूत्र कह सकते हैं। तो लिंग गुणसूत्र अपने को पता है, नर में तो अक्ष वाई होते हैं तो मादा में अक्ष अक्ष, तो टोटल 46 में से दो अगर लिंग गुणसूत्र निकाल दे तो अपने किसकी संख्या आ जाती है फ्रेंड्स, कायिक गुणसूत्रों की संख्या आ जाती है। तो अपना ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर, सेकेंड जो ऑप्शन अपना करेक्ट होगा, यानी कि 44। नेक्स्ट अपन क्वेश्चन की बात करते हैं, जीनोम चित्रण संबंधित है, जीनोम यानी जीन्स का समूह वगैरह अपन कह सकते हैं, किससे संबंधित है? ऑप्शन देखे तो फर्स्ट रक्त वर्गीकरण से, सेकेंड जीन्स के चित्रण से, थर्ड स्नायु केंद्रों के चित्रण से, फोर्थ देखे तो मस्तिष्क के चित्रण से। तो फ्रेंड्स इसका सही आंसर होगा अपना फोर, यानी मस्तिष्क की जो चित्रण की क्रिया होती है उससे संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, निम्न में से कौन सा एमिनो अम्ल है, साइटोसिन, ग्लाइसिन, थायमिन और ग्वानिन? तो फ्रेंड्स अगर अपना जेनेटिक्स या डीएनए को अच्छी तरह से पढ़ा हुआ है तो अपन कह सकते हैं कि जो साइटोसिन, थायमिन और ग्वानिन है वह एक प्रकार के नाइट्रोजनी क्षारक या न्यूक्लियोटाइड माने जाते हैं, और जो सेकेंड ऑप्शन है ग्लाइसिन वह एक प्रकार का क्या, एमिनो अम्ल है, इसलिए अपना सेकेंड आंसर है करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक आनुवंशिक गुणों को स्थानांतरित करने वाली संरचना का नाम बताइए। तो अपने को पता है फ्रेंड्स गुणसूत्र भी इसमें सहायक होते हैं, डीएनए भी सहायक होता है, जीन्स भी सहायक होते हैं, इसलिए अपना ऑप्शन क्या जाएगा, चौथा ऑप्शन, यानी उपरोक्त सभी इसमें